सच साहब, मैं भगत ऋषिराज दास, आप सभी मुझे एक्टर ऋषिराज पवार के नाम से जानते होंगे, पर मेरी सच्चाई ये है कि मैं भगत पहले हूं और फिर एक एक्टर। 2017 में मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है और तब से मैं सत साधना और सत भक्ति करता हूं। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आप सभी तक एक बहुत महत्वपूर्ण बात पहुंचाना चाहता हूं। वो रोग जिससे इस समय हमारा शहर, हमारा प्रांत, ये पूरा देश, ये पूरा संसार, ये पूरा विश्व पीड़ित है, त्रस्त है, उस कोरोना वायरस का इलाज इस समय केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। और ना ही केवल कोरोना वायरस, इसके जैसे असंख्य जानलेवा बीमारियां और सारे दुखों का इलाज भी एक ही है, सदभक्ति और सत्साधना। हाँ, मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि 22वीं सदी का ये नौजवान इस समय में, जब मेडिकल साइंस इतनी तरक्कियां कर चुका है, इतने मकामों पर पहुंच चुका है, तब सदभक्ति की बात कर रहा है। पर हाँ दोस्तों, एक बात हम सभी को समझनी पड़ेगी कि कुछ चीजें मेडिकल साइंस, लॉजिक और प्रैक्टिकलिटीज से भी परे है। आपका प्रारब्ध आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है, और जिस दुनिया में आप, हम सब रह रहे हैं इस समय, वो दुनिया कालमयी और मायामयी है। इसमें कुछ भी परमानेंट और इमॉर्टल नहीं है, कुछ भी इस दुनिया में अविनाशी और अमर नहीं है, सब कुछ नश्वर है। आपका शरीर नश्वर है, एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, प्लास्टिक से लेकर लोखंड तक, सब कुछ नश्वर है। और अगर अविनाशी है तो वो है आपकी आत्मा, और वो परमपिता परमात्मा, आपकी आत्मा का जनक कबीर साहिब। जी हाँ, और इस समय उनकी शास्त्र सम्मत वेदवित सत साधना केवल इस पूरे संसार में एक ही व्यक्ति के पास है, वो है संत रामपाल जी महाराज, जो सभी प्रमाणों के साथ आपको राइट वे ऑफ वर्शिप यानी के सरल साधना, सत भक्ति और सही साधना बताते हैं पूर्ण प्रमाणों के साथ। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर यह विनती है कि प्लीज प्लीज सत साधना और सत भक्ति की तरफ भी अपना ध्यान ले जाइए, भक्ति कीजिए, अपने कर्म कटवाइए, क्योंकि इस संसार में आपके कर्म केवल आपकी आत्मा के जनक वो परमात्मा कबीर साहिब ही काट सकते हैं। तो भक्ति बहुत आवश्यक है। इस समय कोरोना वायरस है, न जाने आगे किन किन प्रकार के रोग आएंगे। जैसे जैसे हम कलयुग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम पर आक्रमण होंगे अलग अलग देशों से, अलग अलग रोगों से, अलग अलग तरीकों से। उनसे बचने के लिए केवल साइंस और मेडिसिन काम नहीं आएंगे,